सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आप देख रहे हैं अपना स्पंकर रेंटू, एंड आज है डे टू और वॉशिंग होने वाली है, मतलब हो चुकी है इसकी मशीन की पूरी वॉशिंग हो चुकी है। आज पेंटिंग का होने वाला सारा काम। तो ये ओरिजिनल पेंट है, आप देख सकते हो रस्टिंग वगैरह मतलब हल्की फुल्की है, वो ऑलमोस्ट सब कुछ सही हो चुका है स्कूटर के अंदर। अगर इधर से देखोगे तो सरफेस एकदम स्मूथ सरफेस क्रिएट कर दिया है हर जगह से, मतलब यहाँ से भी देखोगे यहाँ से भी देखोगे, ओवरऑल मतलब अच्छे से, मतलब एक एक काम ढंग से किया गया। अब यहाँ पे पेंटिंग का काम शुरू होने वाला है आज से, तो चलते हैं और देखते रहिए आगे का वीडियो। और ओवरऑल आप देख सकते हैं सारा काम हो चुका है। सो गाइस, यहाँ पे भी रबिंग का काम शुरू हो गया है, ये देख सकते हो आप, एक एक हिस्से को अच्छे से भी रब कर रहे हैं और मतलब एक सरफेस क्रिएट कर रहे हैं। क्लीनिंग ज़रूरी है पेंटिंग से पहले, जैसे कि आप जानते हैं। और यहाँ पे सैंड पेपर इस्तेमाल कर रहे हो भैया, 100 नंबर का सैंड पेपर है, काफ़ी अच्छा, और चल रहा है काम, आप देख सकते हैं। तो एक एक चीज़ के धीरे धीरे करके सब सैंड हो जाएंगे, मतलब सैंडिंग सबकी हो जाएगी, देख सकते हो आप। और ये देख सकते हो, तो यहाँ पे सारे पार्ट्स हैं स्कूटर के, साबुन से चिकनाई साफ करके पूरा अच्छे से इसको सैंड करना है। Yeah. They say life will bring discomfort, and I discovered we all just suffer, 'cause no one feels that bad. So guys, as you can see, आप देख सकते हैं यहाँ पे रबिंग का काम हो चुका है, मतलब पूरा अच्छे से रब कर दिया है इन्होंने और चल रहा है बाकी काम, आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे डिस्टम्पर लगाने वाले पुट्टी लगाएंगे भैया इसके बाद। तो गाइस, अब भैया पुट्टी लगाने वाले हैं, कहाँ पे भैया? वहाँ पे लगाने, बनाने की तैयारी चल रही है, हार्डनर है ना ये। अच्छा, ये ट्यूब है या इसका हार्डनर है ये? अच्छा, ट्यूब और हार्डनर को मिक्स करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर लगा देंगे। तो एक दिन लगेगा पूरा सूखने में इसको? नहीं, बस 10 मिनट। 10 मिनट लगते हैं पूरे हार्डनर के, 10 मिनट, ये हार्डनर है ना। ओके, ये देख सकते हो गाइस, इसके बाद इसकी सैंडिंग होगी और उसके बाद फिर दोबारा से इसको ग्रे वाला होता है कुछ, हाँ, ग्रे पुट्टी होगी। हाँ, उसके बाद फिर ग्रे पुट्टी होगी, वो लगाएंगे, आप देख सकते हैं। मतलब प्लेन सरफेस क्रिएट करने के लिए करते हैं, प्लेन के लिए, जो बड़े गड्ढे होते हैं ना यहाँ पे, हाँ हाँ, वहाँ पे इसे क्लीन करने के थोड़ा जल्दी ढक जाते हैं, कवर हो जाते हैं जल्दी, ये हार्ड होता है ना पुट्टी, ये देख सकते हो। It comes from one another, we hurt each other just like a lover, and don't think twice about that. So guys, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने व्हाइट वाला काम किया था, जो पुट्टी बोल रहे हैं भैया इसको, तो जितना भी लगाया था एकदम अच्छे से सूख चुका है, अभी उसको अच्छे से भैया घिस रहे हैं, ये देख सकते हो। तो भैया पुट्टी को आप वॉश कर रहे हो, घिस रहे हो पूरा अच्छे से, सैंडिंग कर रहा हूं अच्छे से, गिटार के सैंड करना है ना। इसके बाद फिर वो गड्ढे वाली पुट्टी लगाई जाएगी, उसके बाद परमानेंट वाली, हाँ परमानेंट वाली, मेन गड्ढे परमानेंट के बाद उसके बाद फिर सैंडिंग होगी। अच्छा, उसके बाद लगते हैं, उसके बाद एक और सैंडिंग होंगे। हाँ, तो देख सकते हो आप काम चल रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से सरफेस क्रिएट किया है। और इधर भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो, और ये इसका ओरिजिनल पेंट था। और इधर की तरफ आ जाओगे तो मडगर्ड वगैरह सब कुछ हटाया हुआ है, यहाँ पे बेरिंग भी चेंज होने इसके, तो वो भी जल्दी हो जाएंगे। सो गाइस, अभी भैया क्या क्या डालने वाले भैया, अभी हम स्कूटर के ऊपर क्या स्प्रे करने वाले? इस पे सरफेसर ग्रे स्तर, अच्छा ये होता है, ग्रे प्राइमर होता है स्तर, ग्रे प्राइमर हम लगाने वाले हैं मतलब पूरे स्कूटर के ऊपर। और नीचे कुछ काम बाकी है, वो भी अभी चल रहा है, हल्की हल्की रेस्टिंग है। और एग्जॉस्ट जो है वो रिमूव करवा दिया मैंने, ये देख सकते हो, ठीक है। अब क्या है कि अच्छे से मतलब इसको दोबारा से हम अच्छे से पेंट कर सकते हैं, और पेंट नहीं होगा तो रिप्लेस ही कर देंगे डायरेक्ट, देख सकते हो स्कूटर में काम चल रहा है।
तो देख सकते हो गन को भी अभी क्लीन कर रहा है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे भैया ने स्प्रे करना शुरू कर दिया। ये देखो सरफेसर हो रहा है मशीन से। ये सरफेसर है। हाँ सरफेसर अस्तर। अस्तर का क्या? अस्तर कह रहे हैं, सरफेसर कह रहे हैं। तो बेसिकली सरफेस क्रिएट करने के लिए, एक स्मूथ सरफेस क्रिएट करने के लिए, सरफेस करने के लिए। Something's bad, but hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah. And I wanna feel something, but all I feel is pain. I wanna make a change, but you either pick yourself up or you let yourself down. Life will always be tough, so who the fuck are you now? Will you make it alone? तो गाइस अभी भाई मैन्युअली पुट्टी लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ माइनर होल होते हैं उनको भरने के लिए, मतलब बहुत छोटे छोटे होल होते हैं तो उनको भरने के लिए भैया ये लगा रहे हैं। और ये देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो तीन होल हैं, तो इनको भरने के लिए इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद सैंडिंग होंगे सूखने के बाद। उसके बाद सैंडिंग करेंगे भैया प्रॉपर। सो गाइस आप देख सकते हैं दो तीन बार भैया ने उसको स्प्रे करने के बाद, दो तीन कोट करने के बाद और अच्छे से फिनिशिंग लाने के लिए उसको हाथ से भी कर रहे हैं, मैन्युअली भी कर रहे हैं। तो इसको भी फिर सूखने के लिए रख देंगे और उसके बाद इसको ग्राइंड करना होगा। और अभी इसका बाकी है। सो गाइस ये डे टू एंड अभी बेस कोट हो रहा है, मतलब पेंटिंग का काम मेन शुरू हो चुका है। आप लोग शायद इसे सेकेंड पार्ट में देख रहे होंगे। और यहाँ पे देख सकते हो कलर जो है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड अभी काम चल रहा है, अभी ये बेस कोट है, ये देख सकते हो पेंटिंग का काम ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। और स्मूथ सरफेस देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा और स्मूथ सरफेस क्रिएट हो रखा है। स्काई ब्लू नहीं होने वाला है, बट एक अलग ही पेंट होने वाला है, वो बहुत सही लगेगा आपको। डार्क कलर है, अभी मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं आप चल रहा है यहाँ पे, उसके बाद एक वो रेड कलर का होता है अस्तर बोलते हैं उसको, वो भी इसके ऊपर कराने वाले हैं, जो कि रस्टिंग से रोकता है। आपने देखा होगा पोल्स के ऊपर भी करते हैं, स्ट्रीट पोल्स जो रहते हैं हमारे उनके ऊपर भी वो पेंट करते हैं, जिससे कि वो रस्टिंग से बचा रहे। तो वो भी करेंगे अभी इसके ऊपर। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो मैट स्काई ब्लू, ये भी अच्छा लग रहा है, बट ये कलर नहीं है जो कि हम कराने वाले। और ये कुछ पार्ट्स हैं जो कि कर दिए। तो गाइस अभी ये प्राइमर लगा रहे हैं भैया, ये मतलब रस्ट से बचाने के लिए होता है, क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं वाटर के। तो ये देख सकते हो चल रहा है यहाँ पे काम। और जैसे फ्लोर वाला पार्ट हो गया, तो यही सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो कि ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं, तो इनका काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो नॉर्मल पेंट करोगे तो वो जल्दी कॉरर्ड हो जाएगा, बट ये ज़्यादा अच्छा है। मडगट के अंदर और यहाँ पे यही पेंट यूज़ करते हैं। देख सकते हो मडगार्ड के अंदर भी भैया कर रहे हैं अच्छे से, उसके पूरे तीन कोट होंगे। तो गाइस ये बेस कोट था, उसे तीन बार कर दिया था और अच्छे से सूख चुका है। और अभी भैया इसको पूरा रबिंग कर रहे हैं,
और यहाँ पे भी इसके 3 कोट हो चुके हैं, और जैसे कि देख सकते हो इसके भी, तो इन सब के जो भी मेन वाटर कॉन्टैक्ट में आते हैं इन सब के 3-3 कोट हो चुके हैं, और अभी बेस कोट को भैया रबिंग कर रहे हैं पूरी अच्छे से, और आपको कुछ देर में पता चल जाएगा कि कौन सा कलर इसके अंदर होने वाला है। तो गाइस ये स्टार्टिंग हो चुकी है पेंटिंग की, और एक बार ट्राई करके देख रहे हैं कि कैसा रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये हल्का आपको लाइट लग रहा है कलर, क्योंकि ये फर्स्ट कोट था, अभी इसको और डार्क कर देंगे क्योंकि मेरे को डार्क कलर ज़्यादा पसंद है, तो हम ये डार्क कलर हम इस पर करा रहे हैं। तो डुअल कलर है इसलिए थोड़ा सा मिक्स रहेगा, और आप बाकी देख सकते हो चल रहा है काम। ये देखो ये रियल कलर है, मतलब विंटेज कलर जो आते हैं ग्लिटर्स वाले, ये वही कलर है। बाकी एक दो कोट होने के बाद ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस इसको ना धूप में खड़ा कर दिया, तो आई होप आप लोग देख पाएंगे इसकी चमक। ये पेंट है हमारा और अलग अलग शेड आ रहे हैं, मतलब पर्पल एंड ब्लू, तो इसीलिए यहाँ पे ग्रीन कलर हमने स्टार्टिंग में पहले डाला था। ये देख सकते हो आप, मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ आपको। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, उसके बाद अभी क्लियर मारना बाकी है इसके ऊपर। तो गाइस आप देख सकते हैं सारे पार्ट्स जो है हमारे स्कूटर के पेंट हो चुके हैं अच्छे से, इन भी 3-3 बार कोट हो चुका है। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहता इसलिए मैंने दिखाया नहीं कि बार बार 3-3 बार कोट हो रहे थे, और देख सकते हो। और अभी भी इसको मतलब सेफ जगह पे लेके जा रहे हैं, यहाँ पे कोई टच ना करे क्योंकि पूरा पेंट ख़राब हो जाएगा अगर किसने टच कर दिया तो। और आज की वीडियो में इतना ही है, कल की वीडियो में फ़िटिंग वगैरह दिखाऊंगा आपको, प्रॉपर फिटिंग कैसे होती है स्कूटर की, और क्या क्या इसमें हम इंस्टॉल करने आने वाले, तो वो ज़रूर देखना क्योंकि मेन जो लुक है ना वो फिटिंग के बाद आएगा। अभी तो आपको रॉ लग रहा है एकदम स्कूटर, ये देख सकते हो आप। तो राइट, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना।